के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 वर्ष बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। सरकारी नौकरी मिले या न मिले 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार सबको मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि साल भर में पलायन रोक देंगे, लोग कह रहा है कैसे रोक देगा, अभी इसी सभा में बताते हैं कैसे रोक देंगे। 0 से 15 साल, 15 साल से कम उम्र के आपके जितने बच्चे हैं वो इतना बढ़िया पढ़ लेगा कि उसको बिहार की व्यवस्था पर वो बोझ नहीं बनेगा। 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। अब लड़का को बुझाया नहीं कि भैया शराबबंदी और पढ़ाई का क्या लेना देना है, हम बताते हैं क्या लेना देना है। अगर बिहार में विश्व स्तरीय विश्व देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगले 10 वर्ष में, तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बना दिया जाएगा। और ये 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे, ताली मत बजाइए, समझिए, जो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा, नेताजी के सुरक्षा के लिए नहीं खर्चा होगा, सड़क बिजली पानी के लिए नहीं होगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 वर्ष बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। अब समझ में आया काहे हटाना चाहते हैं। हर वर्ष 20 हजार करोड़ रुपया शराबबंदी के चलते नुकसान हो रहा है, तो 20 वर्ष के पैसे को, शराब के टैक्स को अगर आप नई शिक्षा के व्यवस्था के लिए खर्चा करें तो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अब आपकी सभा में पूछ रहे हैं, बताइए ये योजना लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए, ना जोर से बोलिए। शराबबंदी हटाकर उस पैसे से नई शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ना बोले, हाथ ना उठ रहा है, अभी हाथ उठा के बोलिए जोर से, ना जिसको ना बोलना है ना बोलो, बोलिए हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, हटना चाहिए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, उसका रास्ता भी आपको बता रहे हैं। 5 लाख करोड़ रुपया जुटाएंगे इसी बिहार से और ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे कि पूरे देश से लोग जैसे नालंदा विक्रमशिला में पढ़ने आते थे वैसे इस यहीं पर पढ़ने आएंगे, तभी बिहार ज्ञान का भूमि फिर से बनेगा। होना चाहिए ना, एक बार जोर से ताली बजाइए, तो बजाइए जोर से ताली, ना हुआ, अरे अपने बच्चों के शिक्षा व्यवस्था के लिए आप इतना ताली भी नहीं बजा रहे हो यार, जोर से बजाइए ताली। इस सदन ने इसको अप्रूव कर दिया ना, शराबबंदी जाएगा, नई शिक्षा व्यवस्था आएगी। दूसरा रास्ता, ये 15 वर्ष से ये शिक्षा व्यवस्था से क्या होगा, 0 से 15 साल, 15 साल से कम उम्र के आपके जितने बच्चे हैं वो इतना बढ़िया पढ़ लेगा कि उसको बिहार की व्यवस्था पर वो बोझ नहीं बनेगा। हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं लेकिन हमको नाली गली नहीं चाहिए, हमको अनाज सरकार से मुफ्त में नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने पैर पर काबिल हो गए हैं। तो पहला लक्ष्य है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था बना दी जाए कि आने वाली पीढ़ी में कोई बच्चा बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। लेकिन जो 15 साल से ज्यादा हो गया अब तो कैसे पढ़ेगा, वापस नहीं पढ़ सकता है, तो उसके लिए जन सुराज का दूसरा सूत्र है, 15 साल से 50 साल के
के उम्र तक के लोगों को जो फिर से वापस जाकर पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसके लिए जन सुराज का मंत्र है, हर हाथ में उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले। हम कह रहे हैं कि साल भर में पलायन रोक देंगे, लोग कह रहा है कैसे रोक देगा, अभी इसी सभा में बताते हैं कैसे रोक देंगे। जन सुराज का मंत्र है, सरकारी नौकरी मिले या न मिले, 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार सबको मिलना चाहिए। और ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा पूंजी के ताकत से। ये पूंजी आएगा कहां से? हम मन से कह रहे हैं हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हम लोग भिखारी नहीं हैं, हम आपको बताते हैं रास्ता। हमको नहीं चाहिए दिल्ली की मेहरबानी, बिहार के लोगों में, आपके बाजुओं में, हम लोग के दिमाग में सरस्वती की इतनी कृपा है कि हम लोग अपना रास्ता खुद बनाएंगे। वो लोग हमको क्या देगा, बिहार से हम लोग उनकी मदद करेंगे। रास्ता आपको बताते हैं। पिछले साल बिहार में आपने, हमने बिहार की जनता